टेस्टिंग हो चुकी है शुरू, अभी देखते हैं टेस्टिंग चल रही। जो अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा ना ही मुझे, कानून के साथ बैठ कर ना सकेगा। कौन है तुम? ये अपना कसाना डीजे, ये धड़कन डीजे, और इसके जो बेस टॉप है वो रखे जा रहे हैं सरप्राइज। जो अभी ये बता नहीं रहे कितने होने वाले हैं, वो जब पता चलेगा जब ये रिलीज हो जाएगा। आइडिया आप लगा सकते हैं, कम से कम 20 बेस और 20 टॉप तक का प्लान है, और ये तो पूरा पैक्ड है, ये तो अभी दिखाया भी नहीं। जो ये बुक किया गया है वो गया क्या गया हमारे भैया से, ये भैया है मंगलोर के, दोनों भाई लोग। भाई आपका नाम? भाई आपका नाम? तो भाई आपको कितने तक का खर्चा आ गया होगा, थोड़ा अंदाजा लगा दीजिए। दिल में धक धक तो होगी पर फिर भाई 15 के आसपास आएगा। 15 के आसपास सिर्फ इसका बुकिंग का इनका खर्चा आया है। तो भाई को दिल ले को 15 लाख बोले के नाम पे, कोई छोटी बात नहीं है। परसों तक टेस्टिंग कब होने वाली है? टेस्टिंग कल शाम को। क्या भैया कब तक मालिक नहीं सब नहीं, फिर भी लेकिन आप कब तक चल जाएगा? आठ में चल जाएगा। आठ में शाम को यहाँ से चल लेगा। तो भाई जी आठ को शाम को चलने वाले जगह कौन सी है? गोरकोली में ये स्थित है। अभी यहाँ पे ये बनाया जा तैयार किया जा रहा है, इसके बाद ही निकल जाएगा अपनी यात्रा के लिए। तो अगर किसी को आना है देखना है तो आप यहाँ आ सकते हैं और भैया से मिल सकते हैं। तो भैया डीजे तैयार हो रहा है, कुछ खतरनाक ही लाइटनिंग कर रखी है इस बार तो, और बेस्ट टॉप सरप्राइज रखा गया है, वो पता चलेगा आपको चलने वाले दिन पे। अगर आपको वो वीडियो देखनी है चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि वो वीडियो सबसे पहले आएगी हमारे चैनल पे। ये आपका धड़कन डीजे, उधर आपका चौधरी डीजे। और अगर गाइस आपको इस जगह का लोकेशन चाहिए तो आप कमेंट डाउन कीजिए, मैं कमेंट में बता दूंगा। तो अभी आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट डीजे, जो है मोनू डीजे, जो सबसे भयंकर है, देखते हैं उसको चल के। तो गाइस फाइनली जैसे आपने देखा पीछे चौधरी डीजे और कसाना डीजे हो चुके हैं तैयार, जिनकी शाम को होने वाली है टेस्टिंग। अभी हमें जस्ट पता चली है मोनू डीजे की लोकेशन, जो यूट्यूब पे भी किसी को नहीं पता है। अगर आपको जाननी है तो वीडियो को देखते रहे, और शाम को होने वाली है इन सब डीजे की टेस्टिंग, तो उसके लिए लाल जो बटन है उसे दबा के कर लीजिए सब्सक्राइब। और अभी चलते हैं मोनू डीजे के पास और पता करते हैं वहाँ का कुल खर्चा टॉप बेस क्या है। हर महादेव बोले। तो ये अयोध्या डीजे जो आज ही चलने वाला है शाम। तो भैया क्या बजे चलने वाला है ये? 4 बजे। तो ये 4 बजे यहाँ से निकलेगा कहाँ के लिए? फुल जा रहे के। तो डीजे है जेवर एयरपोर्ट से। तो भैया इसका जो कॉस्टिंग आई है, खर्चा आया, वो कुल कितना आया है? कितने भैया? 2 लाख। 2 लाख बुकिंग के भैया, इसका जो पूरी बुकिंग है पूरी 2 लाख। और यहाँ भैया यहाँ पे चल रही है तैयारी, लाइट वगैरह लग रही है, ये 1 घंटे में निकल जाएगा। भैया ये जगह कौन सी है? ये जहाँ अभी खड़ा है ये हरिद्वार, हरिद्वार ना रुड़की। तो ये अभी रुड़की टू हरिद्वार जो हाईवे है उसके ऊपर खड़ी है, बाईपास पे खड़ी है। तो अगर आपको आके देखना है तो आप इसको भी आके देख सकते हैं। तो भैया फाइनली कब निकलेगा ये? 4 बजे। 4 बजे यहाँ से निकल जाएगा, ये रुड़की टू हरिद्वार बाईपास पे है। और भैया आपका नाम? रिंकू। तो इस डीजे की लगभग कॉस्टिंग आई है 2 लाख रुपए। मायोध्या डीजे है ये, मायोध्या दयानंदपुर का जेवर। तो ये जेवर ही जाके रुकने वाला है, खुर्जा जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी को आगे डीजे देखना है तो आप यहाँ आ सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ एक झांकी निकल चुकी है महादेव की, ये देखिए। हर हर महादेव। तो भैया यहाँ तैयार हो रहा है सुप डीजे,
दिखने में तो यही काफी काफी खतरनाक लग रहा है। जो भी इनके ओनर है वो भी यहाँ पे नहीं है, तो उनसे आके उनसे मिलने आते हैं 2-3 घंटे के बाद। इसलिए अभी चलते हैं मोनू डीजे के पास। ये यहाँ पे है शुभ डीजे, आप देख सकते हैं यहाँ काफी डीजे तैयार हो रहे हैं। यहाँ गोपी नाम का डीजे है। तो भैया अभी आए हम यहाँ गोपी पंडित के डीजे पे। तो भैया बुकिंग आपने कहा रखी है, आपकी कावड़ है तो आपका डीजे आपकी कावड़। तो भाई आपका खर्चा लगभग कितना आ चुका है अब तक? 1.5 लाख का यहाँ इनका खर्चा आ चुका है। तो भैया कब चलने वाला है यहाँ से? कल शाम को ही निकल जाएगा। और चल कहाँ पे जाके रुकेगा यहाँ से? नहीं मतलब फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? तो ये भैया मोदी नगर जाके रुकने वाला है। भैया इसमें कितने बेस और कितने टॉप रहने वाले हैं? इसमें 16 बेस हैं, 16 बेस और 16 ही टॉप। तो मतलब की बात तो तुम सबको टक्कर देने वाले हो भैया। तो जब यहाँ पे इनका आपस में धुरंधरों की लड़ाई चलेगी उसका अलग ही मजा होगा। तो जब अब टेस्टिंग कब होने वाली है इसकी? शाम को। तो आज इसकी भी टेस्टिंग शाम को होने वाली है। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। भैया से मिलते हैं अब शाम को। तो भैया फाइनली ये रहा मोनू डीजे। तो ये मोनू डीजे और इनके ओनर से मिलिए जो है हमारे ये भैया। भैया आपका नाम क्या? योगेश भैया का नाम है और भैया है मेरठ। भैया इस बार कितनी बेस और टॉप होने वाले हैं मोनू डीजे में? 20 लाइनर है, 40 बेस, 30 लाइनर, 40 बेस। अभी तक किसी भी डीजे में हमें ये नहीं मिला। हम हर एक डीजे के पास जा चुके हैं पर इतना भाई किसी के पास नहीं। कसाना वाले भी 20 बेस पे रुक रहे हैं हमसे। भैया 20 बोल रखा है उन्होंने लेकिन उनके पास 30 है। वो बोलने की सरप्राइज देंगे इस बार। ये होती है बढ़िया बात, ये कोई सरप्राइज नहीं जो है उसकी किताब है। तो भैया कब टेस्टिंग होने वाली है इसकी पहली? कल शाम को होने वाली इसकी पहली टेस्टिंग। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो चैनल को अभी कर लीजिए सब्सक्राइब। टेस्टिंग के टाइम हम यहीं पे मिलेंगे। तो भैया ये 8 तारीख की रात को यहाँ से निकल जाएगा। अगर आपको मिलना है इनसे आके तो आप मिल सकते हैं टोल के पास। तो भैया खतरनाक यहाँ पे प्लानिंग चल रही है। अगर और आपको शाम को टेस्टिंग में सब दिख जाएगा। तो भैया यही मोनू डीजे है और यहीं पे तैयार हो रहा है दूसरा रोई डीजे। ये भी कुछ खतरनाक ही करके मानेगा इस बार। तो भैया कितने टॉप और इसमें बेस होने वाले इस बार? 35 बेस है, 16 लाइनर है, बेस लाइटें हैं, लाइटनिंग वगैरह सब हो रही है। तो भैया टेस्टिंग कब होने वाली है इसकी? कल रात को, मतलब 7-8 तारीख की रात को ही। तो और चलने कब वाला है भैया? ये 9 में सुबह ये भी निकल जाएगा। सही है। तो भैया अगर आपको टेस्टिंग देखनी है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो भैया ये बालाजी साउंड कर देना। ये भैया इसके ओनर, भैया इसका जो खर्चा है ऊपर की बुकिंग का वो कितना आ जाता है? 22 लाख 10 हजार में पार्टी ने बुक कर रखा है। 3,10,000 में पार्टी ने बुक कर रखा है। और भैया ये कब चलने वाला है यहाँ से? ये कल शाम को चलेगा। कल शाम को यहाँ से चल जाएगा। टेस्टिंग कब होने वाली है? आज शाम को टेस्टिंग इनकी भी होने वाली है। और भैया जो तुम्हारा क्या कहते हैं? तो भैया सर दो पर टेस्टिंग होने वाली है लाइन के साथ? 32 बेस हैं, 16 टॉप हैं, 8 लाइनर है। तो भैया ये भी कुछ खतरनाक होने वाले हैं। तो भैया इसकी टेस्टिंग भी आपको शाम को वीडियो में मिल जाएगी। तो अब चलते हैं आगे की ओर। ये मोनू डीजे के पीछे सारे सामान है जो भी लोड होंगे इस पे आगे। धूप भी निकल चुकी है, तड़कती भड़कती बारिश बंद हो चुकी है। यहाँ से चल रही है इनकी टाइमिंग। ये मोनू डीजे तैयार हो रहा है यहाँ पे। तो भैया जानते हैं ये डीजे कौन सा तैयार हो रहा है। ये यहाँ डीजे की लोकेशन। तो ये तैयार हो रहा है अनुज कटारिया डीजे। तो पता करते हैं इसके बारे में भैया से। भैया इसमें कितने बेस आने वाले हैं? इसमें 30 से 36 के बीच में यहाँ बेस है। और लाइनर? तो 12 लाइनर। 12 लाइनर। तो भैया टेस्टिंग कब होने वाली है इसकी? 8 की रात को होने वाली है इसकी टेस्टिंग। और अपलोड कब होगी? है यहाँ से 8 की रात को निकल जाएगा। तो भैया इसकी लोकेशन है टोल प्लाजा के पास। आप आ सकते हैं और भैया से भी मिल सकते हैं। तो चलें। तो भैया यहाँ देखे सारे डीजे यहाँ अवेलेबल। ये शुभ है, वहाँ पे आगे गोपी है, वहाँ मोनू,
अनुज कटारिया और एक पीछे वहाँ अमर डीजे भी अवेलेबल है। ये यहाँ की झांकी शिवलिंग और हमारे महादेव। तो भैया एक नहीं टोटल 12 डीजे हो रहे हैं इस बार तैयार, तो कुछ खतरनाक ही होने वाला है। वो वीडियो भी हम अब डेली अपडेट हम आपको देते रहेंगे हमारी वीडियो के थ्रू। तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो भैया इन सब की टेस्टिंग होने वाली है शाम को, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि अब आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइज़।